हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं सीरीज सॉल्यूशन के अंदर सेकंड वीडियो। इससे पहले स्टूडेंट मैं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं ले चुका हूं, बता चुका हूं कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। देन उसके बाद मैंने बताया था कि सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, लीजेंड्रे और बेसल इक्वेशन क्या होती, कैसे हम इस टाइप के सॉल्यूशंस करते हैं। सो आज स्टूडेंट हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन है लाइक लीजेंड्रे इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूँ कि मैं आपको आगे कैसे पढ़ाने वाला हूँ और क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो पावर सीरीज मेथड होता है वो दो टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे बात होती है लीजेंड्रे टाइप की इक्वेशन होती है और ये होती है बेसल टाइप की इक्वेशन। सो यहाँ पे जो लीजेंड्रे इक्वेशन होती है इसके अंदर जो x इज इक्वल टू जीरो होता है उसमें ये जीरो नहीं होता है। सो दिस x इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट, और अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ बात होती है बेसल जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस यहाँ पे जो हम मेथड यूज करते हैं वो फ्रोबेनियस मेथड होता है। सो फ्रोबेनियस मेथड से यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका सॉल्यूशन होता है उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट कभी कभी यहाँ पे हम m प्लस आर भी लिखेंगे, कभी कभी हम यहाँ पे m प्लस टू आर भी लेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे उसको हम यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो m होता है वो कभी इक्वल भी होगा और कभी यहाँ पे डिफरेंट भी होगा, तो उसके लिए अलग अलग मेरे वीडियोस आएंगे जिसमें हम आपको इक्वल के लिए अलग एक मेथड बताऊंगा और डिफरेंट के लिए एक अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है। मतलब 50% सॉल्यूशन तो सेम होता है बट लास्ट में जो आंसर होता है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जो एक्स इज इक्वल टू जीरो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उस वाले केस में हम सीरीज सॉल्यूशन मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द सीरीज, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो स्टूडेंट कभी कभी वन मार्क के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि किस कंडीशन में हम यहाँ पे जो इक्वेशन होती है उसको हम सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। और यहाँ जो मेथड यूज होता है वो कौन सा होता है, फ्रोबेनियस मेथड होता है, राइट। तो अभी मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेने वाला हूँ, मैं लूंगा यहाँ पे लीजेंड्रे इक्वेशन को सबसे पहले इस टॉपिक में कवर करूंगा। देन मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसल इक्वेशन फॉर डिफरेंट रूट्स के लिए लेंगे, फिर हम इक्वल रूट्स के लेंगे, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन आती है इक्वल रूट में भी वो इनफाइनाइट हो जाता है तो उसको मैं यूज करूंगा लूंगा। सो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए लीजेंड्रे को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इस टाइप की जो इक्वेशन है कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सीरीज, तो हम क्या करेंगे देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पी एक्स यहाँ पे कितना है, 1 - x² क्यू एक्स कितना है स्टूडेंट, -x है और आर एक्स कितना है 4 है। सो यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हम चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑर्डिनरी पॉइंट, और जब भी ऑर्डिनरी पॉइंट होता है देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज क्या होता है, y इज इक्वल टू r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर एक्स पावर r, इसका क्या होता है सॉल्यूशन होता है। और स्टूडेंट अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं y, है ना, देन क्या होगा dy बाय dx, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर आर एक्स पावर आर माइनस वन, मतलब ये x का डिफरेंशिएशन किया तो r आ गया, r एक पावर क्या हुई, कम हुई। इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर 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 माइनस वन एक्स पावर आर माइनस टू, राइट। अब ये वैल्यू राइट ये और ये, इन तीनों को उठा कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे, है ना। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर करना क्या चाह रहे हो ये बताओ आप, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, और यहाँ पे हम इसको इसका सॉल्यूशन सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अगर मैं सीरीज को खोलूँ स्टूडेंट तो यहाँ पे इसकी सीरीज क्या आएगी, वन आर की जगह जीरो रखोगे तो ए जीरो आएगा एक्स पावर जीरो, देन ए वन एक्स, देन ए टू एक्स स्क्वायर, देन ए थ्री एक्स क्यूब, चलता जाएगा अप टू इन्फाइनाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्फाइनाइट कॉन्स्टेंट आएंगे, पर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके अंदर कितने कॉन्स्टेंट आने चाहिए, सिर्फ
दो कांस्टेंट आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे और हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करके सिर्फ दो कांस्टेंट रहने देंगे, बाकी सबको हम हटा देंगे, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, राइट। तो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर देन समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर 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 माइनस वन एक्स पावर आर माइनस टू देन एक्स, ये वैल्यू उठा के रखूंगा तो स्टूडेंट ये आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर आर एक्स पावर आर माइनस वन प्लस फोर समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर 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 माइनस वन एक्स पावर, अब ये एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आर माइनस टू है और ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर आर हो जाएगा और माइनस आगे रहेगा। सो आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर 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 माइनस वन एक्स पावर आर, ये एक्स भी अंदर गया तो स्टूडेंट ये पावर हट जाएगी यहाँ पे, तो ये मतलब पावर क्या हो जाएगी, वापस आर हो जाएगी, तो ए आर आर एक्स पावर आर प्लस फोर समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर आर। अब देखो ये भी एक्स पावर आर है, ये भी एक्स पावर आर है, ये भी एक्स पावर आर है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं तो यहाँ से आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर 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 माइनस वन एक्स पावर आर माइनस टू और ये आएगा समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर, है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू होगी आर आर माइनस वन और ये माइनस कॉमन निकाल लेती है, माइनस आएगा आर और ये आएगा आपके पास माइनस का फोर एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये वाली जो टर्म थी वो क्या थी हमारे पास, एक्स अंदर गया तो ये टर्म हमारे पास माइनस थी तो ये बाहर आएगा हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो मैं यहीं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर 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 माइनस वन एक्स पावर आर माइनस टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव स्टूडेंट ये आएगा ए आर आर स्क्वायर माइनस आर से आर कैंसिल हो गया तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस फोर एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स पावर आर है और यहाँ पर एक्स पावर आर माइनस टू, मैं इसको भी आर एक्स पावर आर बनाना चाहता हूँ तो इसमें जहाँ पर आर है वहाँ क्या रखूँगा मैं आर प्लस टू रखूँगा। तो ये वाली जो टर्म है ध्यान दीजिए, इस टर्म में हम क्या करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू आर प्लस टू रखेंगे, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ये एक्स पावर आर हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, है ना, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, मैं इसकी जगह आर की जगह आर प्लस टू रखता हूँ तो ये आएगा ए आर प्लस टू और ये आर प्लस टू हो जाएगा तो ये आएगा आर प्लस टू और ये आर प्लस टू रखेंगे तो ये आएगा आर प्लस वन एक्स पावर आर हो जाएगा, है ना। माइनस यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, एक्चुअली ये माइनस था, प्लीज़ इसको आप माइनस ही कर दें बिकॉज माइनस कॉमन ले लिया था हमने यहाँ पे, है ना। तो ये आएगा समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव और ये आएगा आपके पास ए आर आर स्क्वायर माइनस फोर एंड टू एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट एक्स पावर आर कॉमन आ रहा है सो आप क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव ए आर प्लस टू, है ना, ये आएगा आर प्लस टू आर प्लस वन, है ना, माइनस ए आर आर स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो। और मैथमेटिक्स ये बोलती है कि अगर कोई भी सीरीज जीरो के बराबर है तो उसके सभी कोफिशिएंट किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। तो ए आर प्लस टू आर प्लस टू आर प्लस वन माइनस ए आर आर स्क्वायर, अगर ये सीरीज जीरो के बराबर है तो ये कोफिशिएंट भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे आएगा आर प्लस टू आर प्लस वन माइनस ए आर आर स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बराबर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट, मैं इसको उधर लेके जाता हूँ एंड देन इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ वैल्यू मिलेगी ए आर प्लस टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस फोर, मैं इस आर स्क्वायर माइनस फोर को लिख देता हूँ आर प्लस टू इंटू आर माइनस टू और इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन ए आर। स्टूडेंट ये आर प्लस टू से आर प्लस टू मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन हम क्या करेंगे, इसकी इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास, ए आर प्लस टू इज इक्वल टू आर माइनस टू अपॉन आर प्लस वन ए आर आया आपके पास वैल्यू। देन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं अपन यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं, है ना, सबसे पहले मैं रखता हूँ पुट आर इज इक्वल टू जीरो, मैंने आर की जगह क्या रखा, जीरो रखा, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आई वो कितनी है, ए टू, है ना, जीरो रखा तो ए टू और ये जीरो हो गया तो कितना है स्टूडेंट, माइनस टू ए जीरो, राइट। अब हम क्या करते हैं, पुट आर इज इक्वल टू वन रखा, जैसे वन रखूंगा तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ए थ्री और ये वन रखा तो कितना है, माइनस वन अपॉन वन रखा तो टू ए वन,
राइट नाउ अब हम क्या करते हैं, अगेन पुट आर इज इक्वल टू क्या रखा मैंने, टू रखा, जैसे टू रखूंगा तो स्टूडेंट ये कितना आएगा मेरे पास ए फोर, और जैसे मैंने टू रखा तो टू माइनस टू क्या हो गया स्टूडेंट जीरो हो गया, है ना। फिर हम क्या करेंगे पुट आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रखेंगे थ्री रखेंगे, है ना, थ्री रखेंगे तो कितना आएगा देखिए आप यहाँ पे ए फाइव आएगा, और ये थ्री रखेंगे तो ये आएगा थ्री में से टू गया तो वन अपॉन फोर ए थ्री, और स्टूडेंट ए थ्री की वैल्यू मेरे पास ये रह गई तो ये उठा के मैं यहाँ रखूंगा तो ये आएगा माइनस का वन बाय एट ए वन, है ना। फिर हम क्या करेंगे पुट आर इज इक्वल टू जैसे मैं फोर रखता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे फोर रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा ए सिक्स, और फोर रखूंगा तो फोर में से गया तो टू अपॉन फाइव ए पावर फोर मतलब ए फोर, और ए फोर की वैल्यू कितनी जीरो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, तो यहाँ पे ए एट भी जीरो आएगा, बाकी सब क्या आएंगे जीरो आएंगे। और यहाँ पे इस तरह से आप आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं फाइव रख सकते हैं, फाइव रखने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी ए सेवन, देन ये आएगा थ्री अपॉन कितना आएगा यहाँ पे फाइव रखने पर सिक्स ए, यहाँ पे फाइव आएंगे तो ए फाइव आएगा, और ए फाइव की वैल्यू हमारे पास कितनी ये रहेगी तो ये उठा के यहाँ रखूंगा तो माइनस का वन अपॉन फोर्टी एट ए वन। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं राइट, तो आपके पास ये तो ये इवन वाली जो वैल्यू एट ए टेन ये सब जीरो हो जाएंगे। नाउ मैंने आपको बोला था कि इसकी जो सीरीज होती है वो ये होती है, अभी ये इसका सॉल्यूशन इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, जैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा मैंने बताया था वाई इज इक्वल टू ये आएगा ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब ए पावर ए फोर एक्स फोर ए फाइव एक्स पावर फाइव चलता जाएगा ऐसे, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रिलेट कौन कर रहा है ए टू ए जीरो से रिलेट कर रहा है, मतलब इवन इवन एक साथ आ रहा है, और देखो थ्री वन से कनेक्ट कर रहा है फाइव वन से कनेक्ट कर रहा है सेवन वन से कनेक्ट कर रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है y इज इक्वल टू ए जीरो, देन ये जो ए वन है इसको एज इट इज रहने दीजिए, देन ये जो ए टू है इसकी जगह हम क्या रख देंगे माइनस का टू ए जीरो एक्स स्क्वायर, देखिए आप ए टू की जगह ना, है ना। देन ए थ्री की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट माइनस का वन बाई टू ए वन एक्स क्यूब हो जाएगा, देन ए फोर आपका क्या हो गया स्टूडेंट जीरो हो गया, ए फाइव की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है माइनस का वन अपॉन एट ए वन एक्स पावर फाइव, इस तरह से चलता जाएगा। देन आप चेक करेंगे देखिए यहाँ से ए जीरो कॉमन आ रहा है तो स्टूडेंट ए जीरो कॉमन आएगा तो यह आएगा वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, बाकी तो फिर ए जीरो कॉमन नहीं आएगा। देन यहाँ से ए वन कॉमन आ रहा है स्टूडेंट तो यह आ गया एक्स माइनस वन बाय टू एक्स क्यूब माइनस वन बाय एट एक्स पावर फाइव, इस तरह से आपके पास ये क्या मिलेगी सीरीज मिलेगी, और ये इसका क्या होगा स्टूडेंट सॉल्यूशन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ दो कांस्टेंट आ रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। सो एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा फिर इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन हो, देखिए लीजेंडरी इक्वेशन, और इस लीजेंडरी इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सो ये यहाँ पे देखिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, पी एक्स, पी एक्स कितना, ये पी एक्स होता है, ये क्यू एक्स होता है, ये आर एक्स होता है। सो पी एक्स इज नॉट, पी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, सो एक्स इज इक्वल टू दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑर्डिनरी पॉइंट, है ना। नाउ लेट सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन ले लीजिए, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज क्या होगा यहाँ पे y इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर एक्स पावर आर होगा, और ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ वही यहाँ पे होगा। क्या होगा r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, इसका dy बाई dx निकालेंगे हम तो ये आएगा r आगे आ जाएगा x पावर r माइनस वन, इसका हम एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा यहाँ पे समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव r माइनस वन ए आर एक्स पावर आर माइनस टू आएगा। ये तीनों वैल्यू उठा कर रखेंगे, ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर 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 माइनस वन एक्स पावर आर माइनस टू माइनस टू एक्स समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर आर एक्स पावर आर माइनस वन देन एन इंटू एन प्लस वन समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, देखो r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर 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 माइनस वन एक्स पावर r। अब ये एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x पावर r हो जाएगा, तो स्टूडेंट मैं सीधा है माइनस कॉमन ले रहा हूँ और r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव स्टूडेंट ए आर तो यहाँ कॉमन आएगा और यहाँ ये क्या आ जाएगा r इंटू आर माइनस वन होगा, है ना। यहाँ पे ये x अंदर जाएगा तो ये भी x पावर r आएगा, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा प्लस का टू आर आएगा, है ना।
आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पावर आर आ जाएगा, तो एक्स पावर आर जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर आर आएगा, यहाँ भी एक्स पावर आ आएगा, यहाँ भी एक्स पावर आ आएगा, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी उसको माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो होगा। अब स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि ये पावर और ये पावर में क्या करना है, दोनों सेम बनाना, तो क्या करेंगे इस सीरीज के अंदर यहाँ पे आर की जगह क्या रख देंगे हम, आर प्लस टू, तो ये आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर प्लस टू, आर प्लस टू और यह आएगा आर प्लस वन एक्स पावर आर माइनस समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ए आर यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आर स्क्वायर और माइनस आर में से गया तो ये प्लस आर माइनस एन इंटू एन प्लस वन एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जो एक्स पावर आर हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, है ना, तो या तो इसको बाद में कर लेते हैं, चलो कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो क्या आएगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर प्लस टू, यह आएगा आपके पास आर प्लस टू आर प्लस वन माइनस ए आर, है ना, यहाँ से मैं आर कॉमन निकाल लेता हूँ, यह आएगा आर आर प्लस वन माइनस एन एन प्लस वन एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो, और अगर ये किसी के बराबर जीरो के बराबर है तो इसके मतलब ये किसके बराबर होगा जीरो के बराबर, उसको जीरो के बराबर पुट करेंगे हम, तो यह देखिए आप क्या आएगा यहाँ पे ए आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन माइनस इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा माइनस क्या होगा, चलो इसको बराबर रहने दो, ऐसे करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ए आर क्या है यहाँ पे आर प्लस आर इंटू आर प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो यहाँ से हमारे पास ए आर प्लस टू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आर इंटू आर प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस टू आर प्लस वन ए आर आएगा, राइट। अब ये वैल्यू पुट क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले रखेंगे पुट आर इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे हमने जीरो रखा तो स्टूडेंट यहाँ आएगा ए जीरो, और यहाँ जीरो रखिए आप तो ये तो जीरो हो जाएगा, आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी एन इंटू एन प्लस वन, है ना, ये एन इंटू एन प्लस वन आएगा, और यहाँ पे आर की जगह जीरो रखेंगे तो ये आएगा ए जीरो। नाउ क्या करेंगे पुट आर इज इक्वल टू वन, तो यहाँ वन रखेंगे तो ये आएगा थ्री, और वन रखने पर कितना आ रहा है स्टूडेंट ये टू आ रहा है ना, तो आएगा टू एन इंटू एन प्लस वन, और यहाँ रखेंगे वन तो ये आएगा टू थ्री, थ्री और टू जो सिक्स ए जी ए वन आएगा, राइट। देन हम क्या करेंगे अगेन पुट आर इज इक्वल टू वन रखेंगे, जैसे वन रखेंगे सॉरी टू रखेंगे तो ये कितना आएगा ए फोर, है ना, और यहाँ टू रखेंगे तो टू और थ्री, ये टू और थ्री तो कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन यहाँ रखूँगा मैं टू तो ये आएगा फोर, फोर और ये टू तो फोर थ्री जा कितना हो जाएगा ट्वेल्व, एंड देन ये आएगा आपके पास ए टू, और ये ए टू की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस बाहर आ जाएगा, देन ये आएगा सिक्स एन इंटू एन प्लस वन एंड अपॉन कितना आपके पास यहाँ पे ट्वेल्व इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो मैं ट्वेंटी फोर कर देता हूँ इसको ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा इसकी वैल्यू 24, है ना, आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये और भी वैल्यूज आएगी हमारे पास, सिमिलरली हम वहाँ पे आगे और भी वैल्यू आएगी, है ना, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ऐसे हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे आर इज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो ए पावर फाइव की वैल्यू आ जाएगी ना, तो ए फाइव की आ जाएगी, है ना, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। नाउ अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट वापस हम खोलेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो ए फोर है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ तो ये वैल्यू आएगी, और इसको हम खोलेंगे तो ये जो ए फोर की वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी एन माइनस टू एन प्लस थ्री इंटू एन इंटू ये आएगा एन प्लस वन, है ना, डिवाइडेड बाई नीचे इसकी वैल्यू आएगी 24, मतलब यहाँ पे 24 तो क्या कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ सिक्स ए जीरो आएगा, और यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का एन प्लस वन एन माइनस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स आएगी, और हम जानते हैं इसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं ये इसका सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे हम इसको खोलेंगे तो वाई इज इक्वल टू ये आएगा ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब ए फोर एक्स पावर फोर ऐसा चलता जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सबसे पहले ए जीरो कॉमन लेंगे तो ए जीरो कॉमन किस में आएगा इससे आएगा तो ये आएगा ए जीरो कॉमन ले लिया तो ये आएगा वन प्लस ए टू अपॉन ए जीरो एक्स स्क्वायर इस तरह से चलता जाएगा, और बाकी ये जो टर्म है ओड वाले इसमें से ए वन कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस ए थ्री अपॉन ए वन एक्स स्क्वायर इस तरह से चलता जाएगा। सो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ये आएगा ए जीरो, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी ए इसकी
ए टू अपॉन ए जीरो, तो ए टू अपॉन ए जीरो हमारे पास, या आप रख लीजिए ये ए टू अपॉन ए जीरो की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी है ना, ये आपका पास क्या रहा, इस जगह जीरो रखा तो ये ए टू आ रहा है ना, तो ए टू अपॉन ए जीरो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे प्लस वन माइनस एन इन टू एन प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से आती जाएगी वैल्यू प्लस ए वन, मैं यहाँ पे सिर्फ एक टर्म लिख रहा हूँ, और ए थ्री अपॉन ए वन, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ए थ्री अपॉन ए वन को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का एन माइनस वन इन टू एन प्लस टू अपॉन सिक्स एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये इसका क्या होगा, सीरीज सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस टाइप की सीरीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मेरा जो वीडियो है मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, कमेंट करें, और जो भी मैंने पुराने वीडियोज़ डाल रखे हैं वो यहाँ आई टैब है, वहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ जाके आप मेरे पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, और आगे मैं आपको लूँगा यहाँ पे कि जो बेसल इक्वेशन होती है उसको हम किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हैं।